गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, आ जाइए जल्दी जल्दी आ जाइए सारे बच्चे। सी दिस इज योर नीट 22-23 बैच। माय सेल्फ डॉक्टर बकुलदेव एंड आई विल बी टीचिंग यू कॉकरोच टुडे। कोशिश करेंगे कि आज वो कॉकरोच का जो बचा हुआ हिस्सा है वो कंक्लूड हो जाए। कुछ अगर बच गया तो फिर मंडे को कवर अप करेंगे, बट दैट इज कॉकरोच। अभी ये दो बैचेस तीन बैचेस स्टार्ट हुए बेटा, विजय भाव वगैरह। ये जो बैच आपको दिख रहा है ना, ये वो बैच है जो हम सब लोग ले रहे हैं आपके लेट स्टैट न्यूट्री की। जो भी टीम है वो टॉपर्स बैच पढ़ा रही है। अभी मेरी क्लास की टाइमिंग है डेली 1 PM, 1 बजे सारे बच्चे क्लास में आ जाया कीजिए, ठीक है ना, जल्दी से। काफी सारे बच्चे आते हैं लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, तो जो बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं वो आना स्टार्ट कर दो। नर्चर बैच भी स्टार्ट हुआ है, स्पार्क भी स्टार्ट हुआ है। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू सब्सक्राइब अन अकेडमी प्लस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ये सबसे अच्छा समय है आपको अगर प्लस सब्सक्राइब करना है। देखो प्लस में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एडेड बेनिफिट्स हैं। यूट्यूब सेशन के अलावा जो और एडेड बेनिफिट्स हैं प्लस पर, वो ये है कि यू आर फ्री टू एक्सेस क्लासेस, लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ ऑलमोस्ट 100+ टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, चारों ही सब्जेक्ट्स में ये एक्सेस आपको मिल जाता है। हैंड रिटन नोट्स आप तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअसली क्विजेज होती रहती हैं, वीकली या क्वार्टरली, उन सारे क्विजेज में आप अपियर हो सकते हैं। आपका पर्सनल काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है, 1-to-1 डाउट सेशंस आप लेते हैं, तो बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स आपको प्लस पर मिलते हैं। और इस वक्त तो जो ऑफर चल रहे हैं दे आर अनबिलीवेबल ऑफर्स। 10% जो आप यूजुअली स्कॉलरशिप लेते हैं रेफरल कोड के साथ, 15% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप है। 2 ईयर के लिए जाते हैं तो 10% के साथ 20%, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो ये बहुत 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 अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है। अगर किसी भी बच्चे को प्लस सब्सक्राइब करना है तो ये जरूर याद रखे कि इस कोड को इस्तेमाल करें, बी देव, इस कोड का इस्तेमाल करें। यू विल गेट 10% स्कॉलरशिप बाय यूजिंग दिस कोड, और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे ही आपको। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज अगर किसी बच्चे के साथ में हैं, इन दैट केस ही शुड फिल, ही और शी शुड फिल द फॉर्म व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, उसे ओपन कीजिए, उसको फिल कीजिए, द टीम विल कॉन्टेक्ट यू। और कल संडे है तो आप मेरे ख्याल से अनअकैडमी कॉम्बैट में भी अपियर हो रहे होंगे। यहाँ पर भी एंटर करने के लिए इसी कोड का इस्तेमाल कीजिए, बी देव। टॉप 3 में अगर आप आ जाते हैं तो 100% आपको स्कॉलरशिप इसमें मिल जाएगी। सो दीज आर अन्य का अगले चैप्टर पे आ रहे हैं, पहले ये तो पूरा कर लें। t.me/meetplacebo, यहाँ पर आ जाओ भाई जल्दी से। अभी हैंड रिटन नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगे, मॉर्निंग सेशन के भी मिले थे, इसके भी मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ, चलो। स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स, कॉकरोच। सो डू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन। लाइक कर दीजिए जल्दी से, जिससे आप लोगों की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का मुझे पता चले कि कितने बच्चे क्लास में हैं जो कि प्रॉपरली सेशन को देख रहे हैं। चलिए देखिए, ये कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी, एक बार इन डायग्राम्स को देख लो जल्दी से। ये हम पिछले 2 दिनों में पढ़ चुके हैं। दिस इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच, जिसमें हमें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन है, ये विंग्स दिखाई दे रहे हैं, टेग्मीना या एलाइट्रा जो मेसोथोरेसिक विंग है, ये मेटाथोरेसिक विंग है, हाइंड विंग, हेड पर कंपाउंड आईज वगैरह दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने माउथ पार्ट्स पढ़े थे, देखिए तो माउथ पार्ट्स भी प्रॉपरली हमने डिस्कस कर लिए थे। अपर लिप यानी कि लेब्रम, लोअर लिप यानी कि लेबियम, हाइपोफेरिंक्स माने कि टंग, मैंडिबल माने कि टीथ, एंड वन पेयर ऑफ द मैक्सिला, फर्स्ट पेयर ऑफ द मैक्सिला। ये जो माउथ पार्ट्स हैं कॉकरोच के, ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स कहलाते हैं। और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि मॉस्किटो है तो उसमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट मिलते हैं, आपके हाउस फ्लाई में स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट मिलते हैं, आपके बटरफ्लाई में साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट मिलते हैं, हनी बी में च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट मिलते हैं। तो ये सारे के सारे होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल में आते हैं। मोहम्मद साद कह रहे हैं कि सर व्हाट इज द प्रोनोटम। अरे बेटा प्रोनोटम तो हम पढ़ चुके हैं, थोरेक्स के सेगमेंट का, ये देखो ये रहा प्रोनोटम, दिख रहा है। प्रोनोटम का मतलब क्या है,
ऑफ फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट, पहले थोरेसिक सेगमेंट का जो टर्गम है उसी को नॉटम या प्रोनॉटम कहा जाता है। करेक्ट, समझ में आ गई बात बेटा? बच्चों देखो सेशन जल्दी से लाइक करो, सभी बच्चे रुखसार क्या करेंगे, मैक्सिला, मैक्सिला ये रहा बेटा, देखो ये मैक्सिला है, दिस इज मैक्सिला। मैक्सिला को किसी ऑर्गन से कंपेयर नहीं करते हम, एक्चुअली मैक्सिला दो होते हैं, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर तो ये रहा और सेकंड पेयर फ्यूज हो जाता है और इनके फ्यूजन से क्या बन जाता है, लेबिया। प्रमोद कुमार कह रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, अभी आज देखो पोलिंग करेंगे, तुम लोगों से बातचीत करेंगे और जिस चैप्टर के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट आएंगे, सबसे ज्यादा रुझान आएंगे, उसी चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे। डोंट वरी डोंट वरी, पहले इसे तो कंप्लीट कर लें, फिर देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में सारा के सारी चीजें आ गई थी आपके, ईसोफेगस है, ये क्रॉप है, ये गिजार्ड है, हेपेटिक सी का दिख रहे हैं, मीजेंट्रॉन है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही थी। करेक्ट, फिर हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी पढ़ लिया था, याद कीजिए। एलेरी मसल्स का काउंट हमने पढ़ा था, 12 पेयर ऑफ एलेरी मसल्स, और हार्ट कैसा होता है, थर्टीन सेगमेंटेड हार्ट। करेक्ट प्रमोद, ज्यादातर बच्चों को पता है, अभी मैं तो लिख रहा हूं, बाकी बच्चे टाइप करके भेज देंगे। प्रमोद जो पूछ रहे हैं उनको जवाब दो बेटा, प्लीज रिस्पॉन्ड टू प्रमोद। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता है, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देंगे, ठीक है प्रमोद, आप देख लेना अभी। चलिए अभी हम आ जाते हैं कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तक चीजें हम पढ़ चुके हैं। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। हाँ, टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे बेटा, पहले जरा एनसीईआरटी की लाइंस पर आ जाएं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स नोन एज स्पाइरिकल्स। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्पाइरिकल्स कितने होते हैं, 10 पेयर स्पाइरिकल होते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, कहां होते हैं, बॉडी के लेटरल साइड पर होते हैं। इन 10 पेयर में से भी आप लोगों को याद ये रखना है, आउट ऑफ दीज 10 पेयर्स, 2 पेयर, जस्ट अ मिनट, 2 पेयर आर लोकेटेड इन थोरेसिक रीजन एंड 8 पेयर आर लोकेटेड इन एब्डोमिनल रीजन। 2 पेयर थोरेसिक स्पाइरिकल्स, 8 पेयर एब्डोमिनल स्पाइरिकल। क्लियर, कुल मिलाकर के 10 पेयर स्पाइरिकल, ठीक है। इन स्पाइरिकल्स के बाद थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स ऑल्सो नोन एज ट्रेकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इंटू ट्रेक्योल्स, दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहां ये याद रखिए, कॉकरोच एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझिए, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड है, दोनों इंटरमिंगल्ड है। क्यों? क्योंकि हम इनहेल करेंगे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन लंग्स में जो एक्सचेंज होगा, लंग्स से ऑक्सीजन निकल के ब्लड में आएगा, तो उस ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा, ब्लड करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ऑक्सीजन को कैरी करने वाला एलिमेंट कौन है, ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने वाला एलिमेंट कौन है, ब्लड। सो दैट इज व्हाई आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दे बोथ आर इंटरमिंगल्ड, बट नॉट इन द केस ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। मैं अभी थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा आपको, एक बार जरा पढ़ लेता हूं। ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट ट्रेक्यूल्स बाय सिंपल डिफ्यूजन।
मैं जल्दी से एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों के लिए बनाए देता हूं, हैव अ लुक। एग्जैक्टली मामला है क्या कॉकरोच के केस में, ये स्पाइरिकल है, देखिएगा, दिस इज स्पाइरिकल। नाउ स्पाइरिकल ओपन्स इन अ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लाइक दिस, ये वेस्टिबल रीजन है, ये स्पाइरिकल है। इसके बाद आपका आ गया ट्रेकियल ट्रंक, आगे जाकर इसमें ब्रांचिंग आ जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ये ट्रेकियल सिस्टम स्टार्ट हो गया, अभी आगे जाकर के ये जो ट्रेकियल ट्रंक्स हैं इनमें फिर डिवीजन्स होंगे और अल्टीमेटली ये बहुत ही फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे। पहले तो छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होंगे बट अल्टीमेटली वेरी फाइन ब्रांचेस विल बी प्रोड्यूस लाइक दिस। ये देखिए, इनको हम कहते हैं ट्रैकियोल्स और अल्टीमेटली दीज ट्रैकियोल्स विल एंटर इन अ स्पेसिफिक ऑर्गन और वी कैन से स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए ये कोई मसल है, ये कोई ऑर्गन है, एज्यूम कीजिए। तो अभी क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं हमने, देखिए जरा, ये तो दिखाई दे रहा है आपको स्पाइरिकल, ये दिखाई दे रहा है आपको ट्रेकिया, ये दिखाई दे रहे हैं आपको ट्रैकियोल, और ये जो आपका स्पाइरिकल है दैट स्पाइरिकल ऑल्सो इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर, यानी कि ये स्पाइरिकल क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है, दैट इज स्फिंक्टर। तो कुल मिला के मामला क्या समझ में आया आपको, कॉकरोच के केस में बाहर से एयर आएगा, ये वेस्टिबल का सा रीजन है या फिल्टर होगा, ट्रेकिया से होकर के ट्रेकियोल में पहुंचेगा और ट्रेकियोल से होकर सीधे ऑर्गन में चला गया, देयर इज नो मीडिएशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कोई लेना देना ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज नथिंग टू डू विद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एक बार जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, ये डायग्राम क्लियर हो गया कि नहीं सारे बच्चों को, प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट वेदर इट इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इतनी ही चीजें आप लोगों को इसमें याद रखनी है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हर्ष, गीता, अभिजीत, आकांक्षा, नितिन, अनिका, एपोडीम अभी बताते हैं बेटा, कपिल आपके सवाल का भी जवाब देंगे, पहले जरा एक बार यहां आ जाइए। अभी जरा एक्सक्रीशन की बात कर लें, हैव अ लुक, पहले इसे पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि एक्सक्रीशन में मामला है। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मेल्पीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन, ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स, दे एब्सॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स and convert them into uric acid which is the excretory product of cockroach which is excreted out through the hind gut and therefore the insect are known as uricotelic। insects ko kis category mein rakhte hain, uricotelic, abhi diagrammatically samjhata hu। in addition ye baat yaad rakhiyega, fat body, nephrocyte and uricose gland also help in respiration। ये इसी तरीके से as it is ये question आया हुआ है कि cockroach में accessory excretory structures कौन कौन से होते हैं, which of the following structures are accessory excretory structures in case of cockroach, the answer is nephrocyte, uricose gland as well as fat body, they all assist in the process of excretion। अभी आइए जरा, कपिल बेटा क्या जवाब नहीं दिया मैंने, अभी दे देंगे जवाब, चिंता मत करो, सभी जवाब मिल जाएंगे। अब जरा एक बार बात समझिए कि मेल्पीजियन ट्यूब्यूल काम कैसे करते हैं, जस्ट हैव अ लुक। एज्यूम कीजिए कि ये आपका मेसेंट्रॉन है, देखिए जरा ध्यान से,
suppose this is mesentron, and suppose this is the hind gut. This is mesentron, and this is hind gut. ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं के जंक्शन पर इस तरह के ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। मैंने ये ट्यूब्यूल बड़ा करके बना दिया है। वैसे इन ट्यूब्यूल्स का काउंट होता है लगभग 90 to 150, 90 से 150 तक ये काउंट हो सकता है। अब इसके चारों तरफ यहां क्या भरा हुआ है देखिएगा जरा ध्यान से, हैव अ लुक। इस पूरे इलाके में यहां पर क्या भरा हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज हीमोलिम्फ। मैं यहां जो ड्रॉ कर रहा हूं ये स्ट्रक्चर, ये बेसिकली हीमोलिम्फ है, आप ये मान के चलो। करेक्ट, कॉकरोच का जो फ्लूड है, बॉडी फ्लूड, दैट इज नोन एज हीमोलिम्फ। तो थोड़े से हिस्से में ड्रॉ कर देते हैं एक बार, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वैसे तो ये चारों तरफ ही होता है, पूरे के पूरे पोर्शन को कवर करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ये एक्चुअली हीमोलिम्फ से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, व्हाट दे एब्जॉर्ब फ्रॉम हीमोलिम्फ। ध्यान दीजिएगा, हीमोलिम्फ से सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट एब्जॉर्ब करते हैं, सोडियम यूरेट, पोटेशियम यूरेट, दिस इज हीमोलिम्फ। यहां से सोडियम और पोटेशियम यूरेट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए सोडियम यूरेट, सो इट विल रिएक्ट विद वॉटर। पानी से जब इसका रिएक्शन होगा तो एक चीज तो क्या बन जाएगी, यूरिक एसिड, और दूसरी चीज क्या बन जाएगी, NaOH। ये जो यूरिक एसिड है ये यहां से कहां आ जाएगा, हाइंड गट में, एंटर्स इन हाइंड गट एंड इज एलिमिनेटेड आउटसाइड विद द अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो, एक्सक्रीशन का पॉइंट समझ में आ गया बेटा सारे बच्चों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, जल्दी से शाबाश, रिस्पॉन्ड फास्ट। यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा, पॉइंट वन, एंड पॉइंट टू, इट विल बी एक्सक्रीटेड और इट विल बी एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी विद अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बाहर जाएगा, यूरिकोज ग्लैंड पे आएंगे। अभी रुक जाओ एक बार, थोड़ा सा वेट करो, पहले ये बताओ पेरिट्रीम का फंक्शन केवल इतना है कि उसको कॉलेप्स होने से बचाएगा। रुखसार कह रही है हेपेटिक सीका का फंक्शन क्या है, हेपेटिक सीका क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे, दे विल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। करेक्ट। चलिए, देख रहा हूं बेटा चैट वेट सब देख रहा हूं। अब आते हैं जरा नर्वस सिस्टम पर। एक होता है यहां जिसे हम कहते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, और ये दोनों गैंग्लियन इस तरीके के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं जिसे हम कहते हैं सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव। तो ये तो रिंग बन गया, एलिमेंट्री कैनाल के एंटीरियर एंड पर आगे की तरफ एक रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बन गया देखिए, और इस रिंग के जैसे स्ट्रक्चर से ये निकला आपका डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, हैव अ लुक। और इस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड में हर सेगमेंट में गैंग्लियॉन्स बनेंगे, तो तीन गैंग्लियॉन तो बनेंगे थोरेसिक रीजन में, 1, 2, 3, ये तो हर सेगमेंट में हो गया थोरेक्स में, और एब्डोमेन में 1, 2, 3,
फोर फाइव एंड सिक्स, ये छठा गैंग्लियॉन थोड़ा बड़ा हो। जितने भी गैंग्लियॉन है सबसे नर्व्स निकलेंगे अपने अपने रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स में। सो नाउ लेट अस लेबल दिस, देखिएगा जरा ध्यान से सारे बच्चे, दिस इज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियॉन ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कॉकरोच, दिस इज सब ईसोफेजियल गैंग्लियॉन ऑल्सो नोन एज लोअर और वेंट्रल गैंग्लियॉन एंड हियर सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव। इन तीनों ने मिलकर क्या बना लिया है बेटा, नर्व रिंग। देखो इनका नर्वस सिस्टम होता है एनेलिडियन, बिल्कुल एनेलिडा के जैसा। यहां आपको क्या दिख रहा है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और ये आपको दिख रहे हैं गैंग्लियॉन्स। सो दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। मैं फिर से रिपीट किए देता हूं, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं एनेलिडियन नर्वस सिस्टम, यानी एनेलिडा से मिलता जुलता नर्वस सिस्टम। इसमें आगे की तरफ एक रिंग दिख रहा है, देखो ईसोफेगस के चारों तरफ। इसमें ऊपर एक गैंग्लियॉन है, दैट इज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियॉन, जिसे ब्रेन भी कह देते हैं। एक नीचे गैंग्लियॉन है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियॉन, और इन दोनों को कनेक्ट करते हुए नर्व्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स। कुल मिलाकर इन सब ने एक रिंग बना लिया है, दैट इज नर्व रिंग। और रिंग से क्या डेवलप हो रहा है बच्चों, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये आपका एज इट इज एनेलिडा से पिक होता है। सो द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज्ड एंड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। थ्री गैंग्लिया लाई इन द थोरेक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये देखो, ये जो तीन गैंग्लिया यहां से लेकर के यहां तक दिखाई दे रहे हैं, ये थोरेसिक गैंग्लियॉन है, और यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके एब्डोमिनल गैंग्लियॉन है। थोरेसिक रीजन में थोरेसिक तीन सेगमेंट में, और बाद वाले एब्डोमिनल गैंग्लियॉन, सिक्स इन द एब्डोमेन। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड along the ventral or belly side part of its body. So now you understand that if head of a cockroach is cut off, it will still live for as long as 1 week. अब इस बात का मतलब समझना बेटा। देखो, सारा का सारा nervous system cockroach का पीछे की तरफ आ गया, देखना head में कुछ भी नहीं, brain जो है ये भी thorax के region में आ गया है, ये पूरा रिंग थोरेक्स के रीजन में है, ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम आपके एब्डोमेन वाले रीजन में है। आपने अगर हेड को काट दिया, सुनिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हेड को हमने रिमूव कर दिया, स्टिल द कॉकरोच विल लिव फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 week। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम तो पूरा का पूरा इधर है ही। हेड को काटने से दो चीजें अफेक्टेड होंगी, एक तो दिखाई नहीं देगा विजन, और दूसरा फीडिंग। तो अब विदाउट फूड कॉकरोच कैन सर्वाइव एटलीस्ट फॉर 7 days, तो 7 days तक ही अपना सर्वाइवल इसका चलता रहेगा, फॉर अप टू 7 days, देन आफ्टर इट विल डाई। क्योंकि अब फीडिंग हो नहीं पा रही है, फीडिंग नहीं हो पाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, मिल नहीं पाएगी, दैट इज व्हाई अल्टीमेटली इट विल डाई। बोलो भाई जल्दी से रेस्पॉन्ड करो बच्चों, प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ ये समझ में आ गया है या नहीं, नर्वस सिस्टम, प्लीज रेस्पॉन्ड फास्ट। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया जल्दी से सेशन लाइक भी कर दो, ठीक है।
ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गया, ये कॉकरोच का नर्वस सिस्टम हो गया। इन द हेड रीजन देखो ये लिखा भी हुआ है, इन द हेड रीजन ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन जैसा कि मैंने बताया, व्हिच सप्लाइज नर्व्स टू एंटीनी एंड कंपाउंड आईज। एंटीनी जो प्रोप्रियोसेप्टर होते हैं एनवायरमेंट से स्टिमुलस रिसीव करते हैं, एंड कंपाउंड आईज विच आर रेस्पॉन्सिबल, कंपाउंड आईज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीनी, आईज, मैक्सिलरी पैल्प, लेबियल पैल्प एंड एनल सर्कम। ये सारे सेंसरी स्ट्रक्चर कौन कौन से? एंटीनी जो एनवायरमेंट से स्टिमुलस रिसीव करते हैं, आईज विजन से। देखो मैं सबके बारे में लिख देता हूं कि कौन कौन से किस किस तरह के रिसेप्टर हैं, जस्ट अ मिनट। एनवायरमेंटल स्टिमुलस कौन रिसीव करेगा? एंटीनी। आईज, विजन, मैक्सिलरी पैल्प एंड लेबियल पैल्प, कीमोरिसेप्टर्स और जो एनल सरकाई हैं, दे परसीव ग्राउंड वाइब्रेशन, दे परसीव ग्राउंड वाइब्रेशंस। अब आपका ये जो कंपाउंड आई है जो कि डॉर्सल सरफेस पर होता है, ये एक कंपाउंड आई लगभग 2000 यूनिट से मिलकर बनता है जिनको हम कहते हैं ओमेटीडिया, एंड विद हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटीडिया ए कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहां पे, मोजेक विजन विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। ये लाइन एज इट इज याद रखिएगा, कॉकरोच का विजन किस तरीके का है? मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। हैव अ लुक, मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन, बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट एंड हेंस ऑल्सो नोन एज नॉक्टर्नल विजन। नॉक्टर्नल तो होगा ही क्योंकि कॉकरोच एक्चुअली एक्टिव ही कब होते हैं? रात के वक्त, उसके अलावा कॉकरोच एक्टिव ही नहीं होते हैं। और अगर केवल रात के ही वक्त एक्टिव है, इफ दे आर एक्टिव ओनली एट द टाइम ऑफ नाइट, इट सिंपली मीन्स द विजन विल बी नॉक्टर्नल विजन। तो आईज के बारे में जो चीज याद रखनी है आपको, ईच कंपाउंड आई, पहला पॉइंट, ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ, रिस्पॉन्ड, ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2000 स्मॉल स्ट्रक्चर्स और यूनिट्स विच आर नोन एज ओमेटीडिया। और ये सारे ओमेटीडिया किसी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, और इस तरह के विजन को हम कहते हैं मोजेक विजन, जिसमें सेंसिटिविटी तो ज्यादा होती है लेकिन रेजोल्यूशन कम होता है। करेक्ट, राज किशोर कह रहे हैं कॉकरोच में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में स्पाइरिकल किस तरह से असिस्ट करते हैं? वैसे तो ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन सारे के सारे स्पाइरिकल खुले रहते हैं, ऑल 10 पेयर, बट एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन ओनली 2 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स आर ओपन, बाकी सारे बंद होते हैं। क्योंकि एक्सहेलेशन में एक्चुअली होता क्या है कि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड इनके बॉडी फ्लूइड में चली जाती है, बॉडी फ्लूइड में जाके डिसॉल्व हो जाती है और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर एनवायरमेंट में रिलीज होती रहती है। तो इनहेलेशन के वक्त तो सारे के सारे स्पाइरिकल खुले रहने चाहिए, देयर इज नो नीड ऑफ ऑल 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन, बिकॉज रिलेटिवली वेरी वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ एयर विल बी एक्सहेल्ड वाया स्पाइरिकल्स। करेक्ट, इसके अलावा और क्या है? बोलो बोलो बोलो, पूछ लो जो जो डाउट्स है जल्दी जल्दी पूछ लो भाई। अब चलो एक बात बताओ, आगे आगे हम बाद में बढ़ेंगे, लेट अस हैव अ स्मॉल स्मॉल डिस्कशन अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, कुछ चीज बच जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा मंडे को कवर अप कर देंगे, इससे ज्यादा वक्त इसमें नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक, आप सजेस्ट कीजिए, हम उसके अकॉर्डिंगली चीजों को पिक करेंगे, एंड लेट मी सी योर आंसर्स, लेट मी सी योर आंसर्स, लेट मी सी योर रिप्लाईज, कि क्या रिप्लाई आप दे रहे हैं।
शाबाश। लो साउंड? नहीं, साउंड प्रॉपर आ रहा है। रेस्पॉन्ड करो बेटा, कौन सा चैप्टर? अरे दीपक बस हो गया, कितनी बार लिखोगे इसको? आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, विच टॉपिक शुड वी स्टार्ट? नियाज अली कह रहे हैं फ्रॉग का एनाटॉमी, वैभव कह रहे हैं कैंसर, शिवम सिंह कह रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये बहुत अच्छा रिप्लाई है बेटा, वेरी गुड। गीता कह रही है जेनेटिक्स, एनिमल टिश्यूज या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। केवल 5-6 बच्चों के रिप्लाई आए हैं मेरे पास, बाकियों के कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहे, सब आपस में चैटिंग करने में लगे हुए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो चल ही रहा है बेटा, मॉर्निंग में पूरा करवा दिया आपको, इवनिंग में पूरा करवा दिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्लस पर जो हमारा कोर्स चल रहा है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ही कोर्स चल रहा है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उसको फिर से करवाने की जरूरत नहीं है। एनिमल किंगडम आपको पढ़ाया जा चुका है। जबरान सिद्दीकी क्या कह रहे हो बेटा, मुझे दिखा ही नहीं तुमने क्या पूछा है तुम। नहीं चलो ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू ऑल योर रिस्पॉन्सेज, आई एम गोइंग थ्रू ऑल योर रिस्पॉन्सेज एंड आई विल पिक अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली पिक करेंगे, अकॉर्डिंगली पिक करेंगे, चिंता ना करो, अकॉर्डिंगली पिक करेंगे। अभी तो अभी देखो मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तुम लोगों के। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं टिश्यू कर लीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लीजिए, कुछ एवोल्यूशन कह रहे हैं, कुछ हेल्थ एंड डिजीज कह रहे हैं, कुछ उसमें भी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कैंसर वाला सेगमेंट स्टार्ट कर लें, तो वो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, डन। अच्छा एक बात बताओ, एक एक छोटा सा पोल और करेंगे, सभी जितने भी 85 स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हैं सबको एक बार इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है सिंसियरली, और एक से ज्यादा बार रिस्पॉन्स कोई नहीं देगा, वरना मुझे ये समझने में ही मुश्किल हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये जो अभी इस वक्त 85 के आसपास स्टूडेंट्स इस क्लास में बैठे हैं, ये कौन कौन से स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। मैं रिस्पॉन्स देख ली बेटा आपके, ठीक है, अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं या ड्रॉपर हैं, ठीक है, जस्ट पोस्ट, या तो आप लिखेंगे 11th, या तो आप लिखेंगे 12th, या तो आप लिखेंगे ड्रॉपर, या 12th पास लिख देंगे। नाउ स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, मेरे को देखने दो एक बार कि एग्जैक्टली कौन कौन सी क्लास के कितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, जिससे कि थोड़ा सा और आसान हो इस कंक्लूजन पर पहुंचना कि कौन सा टॉपिक हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग ऑल ऑफ यू एंड डू लाइक द सेशन। जल्दी। निकिता 11th, आदित्य 12th, ड्रॉपर 11th, ड्रॉपर 12th, 11th, 12th, ड्रॉपर 12th। शिवम बेटा ये 15th, यानी क्या तुमने बीएससी कर लिया क्या? ड्रॉपर 12th पास। शिवम 12th। अच्छा ठीक है, यानी कि मिक्स्ड क्राउड है, 12th और 12th पास्ट ये बच्चे ज्यादा यहां नजर आ रहे हैं मुझे, 11th के भी बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं। ठीक है, डन। लगभग सारे बच्चों के रिस्पॉन्स मेरे पास आ गए। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीजों को एनालाइज करना, और उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक को स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा है, इसमें कॉकरोच के अंदर आखिरी जो सेगमेंट है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ द कॉकरोच, ये दोनों ही चीजें प्लस एटलीस्ट 20
इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट एक्सक्लूसिवली। ये दो चीजें आई विल बी कवरिंग ऑन मंडे। ट्यूजडे से आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जो भी मेरे पास फीडबैक आया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आज का सेशन हम थोड़ा सा आज जल्दी कंक्लूड करेंगे, आई हैव अ बिट ऑफ ऑक्यूपेंसी, तो आज बहुत लंबा न खींचते हुए इन तीन सिस्टम्स के साथ ही इस चीज को कवर करते हैं। मंडे को ये चैप्टर पूरा का पूरा कंक्लूड कर देंगे और मंडे को आपका मॉर्निंग का जो सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मॉर्निंग का जो सेशन है आपका मंडे में, उसमें आपसे कार्डियक साइकिल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्डियक साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत 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 बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सारे के सारे बच्चों को आना है उसमें। फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कब बंद हुए, सेमिलुनर वाल्व कब बंद हुए, ये सारी की सारी चीजें मॉर्निंग में डिस्कस करना है। मॉर्निंग 7 o'clock, सुबह 7 बजे, शार्प एट 7 o'clock मॉर्निंग में, और शाम को 5 बजे। ये दो टाइम है जबकि हमारी क्लासेस हुआ करती हैं। बट दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आज आप थोड़ा सा मस्ती कर सकते हैं 10-15 मिनट। अभी मेरे ठीक बाद में मेरे ख्याल से 6 बजे अंकित सर की क्लास होने वाली है, तो ब्रेक लीजिए, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, कंटिन्यूअसली क्लासेस लेते रहते हैं। आप आज का सेशन कंक्लूड करते हैं और कल संडे को कुछ स्पेशल क्लासेस लगाऊंगा मैं, लेकिन ये सारी सूचना मिलेगी ग्रुप पे। जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है वो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करें, और प्लस अगर सब्सक्राइब करना है तो अभी सबसे अच्छा मौका है, सबसे अच्छा अवसर है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और बोलिए, और कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई समस्या हो कुछ, तो पूछ सकते हो। अभी 5-7 मिनट में आज फ्री हूं, अभी आज इतना ही। निकिता जो चीज पूछ रही है, बच्चों रिप्लाई करो बेटा। निकिता और नरगिस जो पूछ रही हैं, रिप्लाई करो जल्दी से, जो बच्चे रिप्लाई कर सकते हैं। जाहिदा, निकिता, नरगिस और जाहिदा, इन तीनों को रिप्लाई करो बेटा। अभी किसने रिप्लाई किया था? यहां लिंक पोस्ट कर दो यहां पर भी, वैसे तो बताया हुआ है मेरा। इफ समवन कैन पोस्ट द लिंक ऑन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। शिवम थैंक यू बेटा, इट विल बी अ ग्रेट एंड सिग्निफिकेंट हेल्प फॉर निकिता, जाहिदा एंड अदर स्टूडेंट्स। इफ समवन कैन पोस्ट द लिंक। करेक्ट, चलिए, लेट्स क्रैक नीट यूजी तो है ही, जिसका टेलीग्राम लिंक है t.me/neetplacebo, उस पर आ जाइए, सारी की सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और जो भी डाउट्स हो, ठीक है, जो भी डाउट्स हो वो आप आकर के पूछ सकते हैं। चलो, अभी मैं सेशन कंक्लूड कर रहा हूं, मस्ती करो थोड़ी देर। लाइक कर देना बेटा सेशन को, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, जल्दी से। गुड, ओके, गुड बाय।